नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील शुक्ला, श्री साई होम्योपैथी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है एक ऐसा रसायन पाक, ऐसा नुस्खा जो कि आपके दिमाग और वीर की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और बहुत ही उपयोगी है। आजकल के लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में इस रसायन का बहुत ही जरूरत है, बहुत ज़्यादा उपयोगी, इसी पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं ये नुस्खा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बता दें कि आजकल के लाइफ स्टाइल में इतना ज़्यादा चेंजेज हो गया है, इतना वेरिएशन हो गया है काम को लेके, खाने पीने को लेके और अपने लाइफ स्टाइल से लेके, इतना ज़्यादा चेंजेज हो गया है जिसकी वजह से कि लोगों का हेल्थ बहुत गड़बड़ हो गया है। अब इस हेल्थ को कैसे सुधारा जाए ताकि वो अपने जीवन यापन को अच्छी हेल्दी कंडीशन में लेके चल सके। इतना ज़्यादा वर्कलोड है, इतना टेंशनाइज रहते हैं, जब भी आप घर पर लौटते हैं अपने काम से या जॉब से, इतना ज़्यादा टेंशनाइज रहते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आपका किसी काम में मन नहीं लगता और उसका असर सेक्स लाइफ पे भी पड़ता है। तो आज का जो खाना है, फास्ट फूड और जल्दबाजी में खाना, काम में प्रेशर होना, ये सब क्या दिमाग की कैपेसिटी को कम कर देता है। आपकी याददाश्त जो है कम हो गई है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, हेजिटेशन और टेंशन की वजह से, भाग दौड़ की वजह से दिमाग का संतुलन गड़बड़ हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से नहीं बनता है। तो इसको लेने से आपकी दिमाग की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बनने लगेगा और इसके साथ साथ वीर्य की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये ऐसा रसायन है फ्रेंड्स और बहुत उपयोगी है। पहले लोग इसका बहुत ज्यादा सेवन करते थे लेकिन अब बहुत कम लोग सेवन करते हैं क्योंकि लोग अब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, रेडीमेड लेते हैं, गए बाजार से जो मिला उसको ले लिया और खा लिया, सोचते उसी से ताकत आ जाए। तो इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ फ्रेंड एक चीज और बता दें कि आपको हफ्ते में 2 से 3 घंटे फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चाहे आप जॉगिंग करें, जिम ज्वाइन करें, किसी भी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर पे करें, मॉर्निंग वॉक करें। हाँ, जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उस समय आपका पेट खाली होना चाहिए, आपको हल्का फील होना चाहिए, भारी पेट कभी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका पेट हल्का होना चाहिए। तो आप जॉगिंग करें, रनिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें, जिम ज्वाइन करें, कुछ भी करें, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़ा सा अपने खाने में सुधार करें। खाने में सुधार ये करना है कि हरी सब्जी, दाल रोटी, दूध रोटी, ये सब सेवन करना है, अधिक से अधिक फास्ट फूड, तैलीय चीजों को हटा दें। और जो मैं नुस्खा बता रहा इसका यूज करें आप, तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको आप नौजवान भी यूज कर सकते हैं, वृद्ध लोग भी यूज कर सकते हैं, एडल्ट सबको यूज कर सकता है, स्त्री भी यूज कर सकती, पुरुष भी यूज कर सकते हैं, ये सबके लिए है। तो करना क्या है, आपको बादाम ले आना है, बादाम की गिरी, जो दाने होते हैं बादाम की गिरी लानी है, उसको आप रात में भिगो दें, 10 बादाम गिन के 10 बादाम की गिरी पानी में भिगो दें रात में। सुबह उसका छिलका निकाल दें क्योंकि छिलका हार्ड होता है डाइजेशन में, तो छिलका उतार दे फ्रेंड। अब बचेगा सफेदी बादाम की, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से छिलका हटा के सफेदी बचेगा बादाम, उसको आप खूब अच्छे से पेस्ट बना लें मिक्सर में या किसी भी तरीके से, बस उसको छिलना नहीं, रेती की तरह उसको आप खूब बढ़िया पेस्ट बना लें, ठीक है, पेस्ट बना के उसको रख लें। अब क्या करेंगे, आप 1 गिलास दूध लेंगे, उसमें 1/2 चम्मच आप घी डालेंगे, देसी घी, और वही बादाम जो पेस्ट बनाया उसको डाल देंगे और उसको उबालेंगे, इतना उबालेंगे दूध थोड़ा मोटा हो जाए। उसमें आप स्वाद के लिए आप मिश्री भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा वो दूध थोड़ा सा मोटा हो जाए, फिर उसको पीना है। ऐसा फ्रेंड आपको 10 दिन करना है। 10 दिन करने के बाद थोड़ा गैप कर दें, 10 दिन 15 दिन का, फिर उसको लें। महीने में आप 1 बार लें 10 दिन, फिर नेक्स्ट मंथ में 10 दिन, इस तरह से लें तो आपकी हड्डियां बड़ी मजबूत हो जाएंगी, वीर्य ज्यादा बनेगा, मजबूत बनेगा,
दिमाग का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होने लगेगा। बहुत अच्छा ये रसायन है फ्रेंड, बहुत अच्छा नुस्खा है ये। तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा, बेरी की शक्ति बढ़ जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि बादाम बहुत गुणकारी होता है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं, अब बहुत पौष्टिक होता है। लेकिन अच्छा बादाम लाइएगा, शुद्ध बादाम लाइएगा। तो फ्रेंड्स आज इस नुस्खे में बस इतना ही, किसी और नुस्खे पे अच्छा सा और कोई इम्यूनिटी के लिए बनाऊंगा या किसी और चीज़ के लिए बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।